अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग मौजूद थे शान कैटल फार्म की ओपनिंग में, वेटरिनरी चीफ हारिस अली मिठानी साहब, इसके साथ साथ हमारे आमिर पाकिल भाई साहब और इसके साथ बहुत सारे फार्मर्स भी मौजूद हैं। हारिस भाई की तरफ चलते हैं और उनसे पूछते हैं कि आपको शान कैटल फार्म की ओपनिंग कैसी लगी। देखिए माशाल्लाह इस साल अल्हम्दुलिल्लाह सारी ओपनिंग, सबकी ओपनिंग बहुत अच्छी हुई और आज शान कैटल फार्म की ओपनिंग थी, बहुत मजा आया, अच्छा रहा। एक न्यूज चल रही थी जो फेक न्यूज थी, उसके हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? न्यूजेस देखें, बहुत सारी न्यूजेस फेक चलती हैं, कुछ लोग अपने पेजेस को प्रमोट करने के लिए न्यूजेस चलाते हैं और कुछ लोग जो है वो मैं समझता हूँ शायद कहीं पर प्रोफेशनल जो है वो होती है जालसी, उसमें भी चल रहा होता है। तो ये नुकसान है इन सब का, हमारे शहर का भी, इन शौकीन हजरात का भी। तो इस तरह की खबरों पे मैं समझता हूँ लोगों को नहीं जाना चाहिए। मंडी में अल्हम्दुलिल्लाह इस साल डेल्फा ब्लॉक बन रहा है और उसमें सारे जितने कराची के भी और पाकिस्तान के भी जितने नॉन ब्रांड्स हैं वो इस मंडी का जो है वो हिस्सा होंगे। अगर कोई ऐसी खबरें चलाता है जी तो हम ऑफिशियली चलाएंगे, डेल्फा क्यों बायकॉट करेंगे इन चीज़ों का। तो हम तो कभी इस चीज़ में हम हो ही नहीं सकते कि हम किसी ऐसे प्लेटफॉर्म को जहां हमारे फार्मर्स ने जाके एग्जीबिशन करें हम उसका बैकआउट करें, नॉट एट ऑल। जहां तक सिक्योरिटी की बात है तो देखिए अभी इंतजाम चल रहे हैं, चीज़ें इन प्रोसेस हैं, ये चीज़ें सारे शहर में होती हैं, पूरी दुनिया में होती हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम अच्छाइयों को छोड़कर और उस बुराई को हाईलाइट करते रहें, हमें पॉजिटिविटी दिखानी है। बहुत अच्छे इंतजाम चल रहे हैं, बड़े अच्छे अंदाज से सिक्योरिटी प्लान हो रहा है, लोगों को नजर आएगा, सबको पता है ये पहली बार नहीं है, पूरा शहर आता है यहाँ पर और पूरा शहर आकर कुर्बानी का फरीजा अदा करने के लिए यहाँ से जानवर खरीदता है। हम समझते हैं इन सब चीज़ों को और इंतजामिया भी समझती है जो इतने अरसे से इस ज़बरदस्त अंदाज से इस मंडी को जो है वो लगाती है। तो बिल्कुल भी कतई कोई इंशाल्लाह मसला नहीं होगा, कोई ऐसी डरो खौफ की बात नहीं। डेली बेसिस पे कोई अपने पेज को प्रमोट करने के लिए या अपनी सस्ती शोहरत के लिए वो कोई भी खबर बनाता है, स्टोरी बना के वो चला रहा है, तो ये सब मनगढ़ंत है। अल्हम्दुलिल्लाह सब बड़े छोटे तमाम ब्रांड्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं और जिन जिन लोगों को आपने पहले भी देखा है कि वो हर साल मंडी में आते हैं वो सब आ रहे हैं, कोई भी माइनस नहीं अल्हम्दुलिल्लाह, और बहुत सारे लोग मेरे अंदराफ मौजूद हैं यहाँ। चलते हैं आमिर पाकिल साहब के साथ जो ट्रिपल ए कैटल फार्म के ओनर भी हैं। आप बताएं कि डेल्फा ब्लॉक के हवाले से आप अपनी शिरकत दे रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं आ रहा हूँ, ट्रिपल ए कैटल आपकी खिदमत के लिए हाजिर है और आएगा जरूर, कौन कहता है कि नहीं आएगा, ये तो सब रूमर है। अगर रूमर पे आप देख जाना चाहते हैं तो आपकी अपनी खुशी है, लेकिन अदरवाइज ऐसा कुछ नहीं है, वहाँ हर चीज की सिक्योरिटी मौजूद है। इस साल माशाल्लाह इनका पहला साल होगा एसके कैटल फार्म के नाम से, वैसे एक बहुत ओल्ड फार्मर है, एक अच्छा एक्सपीरियंस रखते हैं। आप डेल्फा ब्लॉक जो कि मवेशी मंडी में लग रहा है उसके हवाले से क्या कहेंगे? इंशाल्लाह जरूर आ रहे हैं हम लोग मंडी के अंदर और आपने भी आना है इंशाल्लाह, और सब आए और एंजॉय करें। मवेशी मंडी में डेल्फा ब्लॉक लग रहा है उसके हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल हम सिक्योरिटी से मुतमईन हैं और इंशाल्लाह ताला मंडी लाजमी आएंगे। कादिर भाई आप बताएं और मंडी का फ्यूचर क्या देख रहे हैं? देखो यार अगर डेल्फा है तो ये जो जितने भी जश्न हो रहे हैं या पब्लिक शौकीन जमा हो रहे हैं तो डेल्फा की वजह से हो रहे हैं। अगर डेल्फा नहीं होता ना कोई ओकेजन होता ना कोई ऐसा होता। आप मंडी की बात कर रहे हो कि मंडी के अंदर ऐसा है या वैसा है, तो यार देखो मंडी हमेशा से पहले सोराबकोट भी दूर जब आबादी नहीं थी, तो आज ये अगर थोड़ा सा दूर हो गया तो इसका इशू बना के उल्टी सीधी वीडियोस बना के लोगों को जो है इसके खिलाफ करना वो बात समझ में आने वाली बात नहीं है, तो वो प्रोपेगेंडा है, मनफी है, कुछ नहीं है। राहिल भाई MNR आप हर साल मंडी गए तो इस बार डेल्फा ब्लॉक के बारे में आप बताइए क्या कहेंगे? पहली बात तो ये है कि ये जितनी भी न्यूज़ चल रही हैं तमाम फेक हैं और हम मंडी ज़रूर आ रहे हैं और इंशाल्लाह ज़रूर आएंगे और आप सबका भी इंतज़ार रहेगा। लास्ट ईयर गोल्ड स्टार ब्लॉक वन में एक बहुत बड़ा टेंट मेला सजाया था, इस साल इंशाल्लाह क्या तरतीब? बिल्कुल आ रहे हैं मंडी हम, और मंडी क्यों ना आए, मंडी तो हम आएंगे। इस जो डेल्फा ने अपना ब्लॉक बनाया वो इतना अच्छा ब्लॉक बनाया है कि मैं समझता हूँ कि अगर कोई फार्मर नहीं आता तो वो रह जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो ये कि जो मंडी इस बार अब सज रही है ना वो बाकायदा प्रॉपर प्लानिंग के तहत चल रही है, इंशाल्लाह पहले से बहुत बेहतर अरेंजमेंट है। और दूसरा ये कि मैं आपको बता दूँ इतना अच्छा फूड कोर्ट वहाँ बनना है कि आप इंशाल्लाह आए, बच्चों को लेकर इंजॉय करें, फैमिली के साथ आए, बिल्कुल इंजॉय करें, कोई आपको वहाँ पे टेंशन नहीं है, इंशाल्लाह आप आएंगे और इंजॉय करेंगे। हम सब आ रहे हैं और आप भी आ रहे हैं।